सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, जिसे लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजी ने गरीबों के लिए चिंता प्रकट करते अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, आर्थिक पैकेज के पहले ऐलान के बाद किसान, रेहड़ी पटरी वाले गरीब और प्रवासी मजदूर जो राहत या आर्थिक सहयोग मांग रहे थे, उसके लिए भारत की वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ में से अपना दूसरा ऐलान कर दिया है। इसमें इन सब वंचित वर्गों की आर्थिक मदद के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई है। अब 3.96 लाख करोड़ की मदद का ब्यौरा बाकी रह गया है, जिसकी घोषणा तीसरे चरण में होगी। प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी फड़ी वालों के लिए 9 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। प्रवासी मजदूरों की पुनर्वास की कोई घोषणा इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 3500 करोड़ अनाज बांटने के लिए आवंटित हो गया है। प्रवासियों को 2 माह अनाज मिलेगा, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और परिवार को 1 किलो चना। इसमें 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ होगा, उनके पास राशन कार्ड हो या नहीं। इन मजदूरों की पहचान राज्य सरकारें करेंगी। इनकी मदद के लिए अब इनके राशन कार्ड सारे देश में लागू हो जाएंगे। परिवार के सदस्य चाहे जहां से भी राशन ले। 31 राज्यों के 67 करोड़ कार्ड धारक इसमें कवर होंगे और इनकी ये 100% पोर्टेबिलिटी 2021 तक होगी। परिवार के सदस्य अगर 2 राज्यों में हो गए तो आधार नंबर के जरिए दोनों जगह आधा आधा राशन मिलेगा। अपने आप में ये योजना सरासरी नजर से देखने में जटिल लगती है और इसमें राशन कार्डों की हेरा फेरी की गुंजाइश भी है। देखते हैं देश की वितरण व्यवस्था इन अभागे लोगों को कैसे संतुष्ट करती है। इसी घोषणा में अब PPP मोड में शहरी गरीबों को सस्ते घर देने के साथ किराए के घर देने की स्कीम भी लॉन्च हो गई है। यानी कहा तो सस्ता घर देने का वादा था, अब यहाँ भी किराए के मकान की बात हो गई। किसानों की मदद के लिए नाबार्ड कर्ज देगा, उसे 30,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त फंड मिल गया। इससे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा देंगे। बांटने वाले वही हैं राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और RRB। ये योजना कितनी कामयाब होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब भी किसानों के कायाकल्प के लिए कोई नई हरित क्रांति घोषित नहीं हुई। उन्हें अधिक कर्ज सुविधा देने पर ही भरोसा किया जा सकता है। इधर रेहड़ी और फड़ी वालों को 10,000 रुपया देने का फैसला किया गया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि रेहड़ी और फड़ी वालों की सही पहचान कैसे होगी। 5,000 करोड़ रुपए से 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन कौन असली रेहड़ी और फड़ी वाला है, कौन नहीं, इसकी पहचान कौन करेगा। अब यहाँ जो चिंता की बात वह ये है कि लाखों मजदूर भूखमरी से बचने और काम धंधे के छिनने के बाद गाँव और कस्बों की ओर चल दिए हैं। यह सही वक्त था अगर इस आर्थिक पैकेज में उनके लिए गांवों के पास कृषि आधारित उद्योगों का कोई नया रोड मैप दे दिया जाता। अब मनरेगा में तो 182 से बढ़ाकर 202 रुपए दिहाड़ी कर दी, लेकिन अब जो ग्राम समूहों के आसपास प्रवासी मजदूर इकट्ठा होंगे, उन्हें मनरेगा योजना के अधीन लाकर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका रोड मैप भी तो बनना चाहिए था। केवल दिहाड़ी बांटने, राशन बांटने, अधिक कर्ज की सुविधा देने और रेहड़ी फड़ी वालों को नकद सहायता देने से समस्या हल नहीं होगी। जरूरत है कि शहरों से उखड़ी हुई इस श्रम शक्ति का नया वैकल्पिक इस्तेमाल कैसे किया जाए। अभी ये आवंटन घोषणाएं इस ओर ध्यान नहीं दे रही, शायद वास्तविक परिस्थितियों की विंडमिनाएं इसके लिए बाद में देश के प्रशासकों को मजबूर कर दे। शीतल विज।